एक लड़की ब्लाइंड डेट पर जाने वाली थी, पर उसके घर पर कोई अलग ही आदमी आ जाता है और उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की। इस एक इंसिडेंट से वो अपनी लाइफ को शेप होने नहीं देने वाली थी और वो फाइट बैक करने का ट्राई करती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिटर्न टू सेंडर ये 2015 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर मिरांडा को देखते हैं। वो एक हॉस्पिटल में नर्स थी, सर्जरी चल रही थी तो इसमें उसे बहुत ही इंटरेस्ट होता है, इसे वो देख रही थी। एक नॉर्मल नर्स है, उस सर्जरी की नर्स भी बनने वाली थी, इसी का एजुकेशन वो कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से एक ओल्ड लेडी उसकी पेशेंट थी और उसकी डेथ हो जाती है। उसे देखने के लिए गई तो ओल्ड लेडी का बेटा पास में बैठा हुआ था। उसे सॉरी कहती है और कहा, तुम्हारी मदर को ज़्यादा पेन नहीं हुआ, ये बात अच्छी हुई। ओल्ड लेडी के बेटे ने कहा कि उसे और भी ज़्यादा तकलीफ होनी चाहिए थी, उसने मुझे 29 ईयर्स तक तकलीफ दी थी, यही तकलीफ उसे भी होनी चाहिए थी। उस ओल्ड लेडी का बेटा हर रोज़ उसे देखने के लिए आता था। मिरांडा को लगता था कि शायद उससे बहुत ही प्यार करता है, पर इसका वो ऑपोजिट था। काम से घर पर आते हुए वो लॉन्ड्री शॉप पर जाती है। वहाँ काम करने वाली लड़की के साथ एक आदमी फ्लर्ट कर रहा था। मिरांडा को जल्दी से जाना था तो जाने से पहले वो लड़की उसे एक रिसिप्ट पर साइन करने के लिए कहती है। नॉर्मल पेन से साइन करते हुए मिरांडा को प्रॉब्लम आ रही थी। आजकल उसके हाथ थोड़े से थरथराने लग गए थे। अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो सर्जरी की नर्स बन नहीं पाएगी। इसके बाद वो अपने फादर से मिलने के लिए आई। फादर के पास एक डॉग था जो मिरांडा को पहचानता नहीं, उसने उस पर अटैक कर दिया, उसकी ड्रेस वो फाड़ देता है। इस बात से वो बहुत ही गुस्सा हो गई थी। मिरांडा अब एक न्यू हाउस बाय करने वाली थी। उसके फादर कहते हैं, मैं वहाँ पर चलता हूँ और पूरे घर को देख लेता हूँ। फादर को मिरांडा से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। अचानक से रेस्टोरेंट में एक आदमी चोक करने लग गया। मिरांडा यहाँ पर बहुत बहादुरी दिखाती है, उसने उसका गला काटा, उसमें एक पाइप भी डाल दिया, इससे उस आदमी की जान बच गई थी। अगले दिन वो अपना घर देखने के लिए आई। उसके फादर ने उसे जो भी सब टिप्स दिए थे ये सारी चीज़ें वो चेक करती है। आज शाम उसके फ्रेंड का बर्थडे था तो वही केक बनाती है। बहुत ही ब्यूटीफुल से केक बनाना उसकी एक हॉबी थी, सबको एक एक बहुत ही अच्छा लगता है। मिरांडा की एक फ्रेंड थी जिसका नाम था डार्लिन। डार्लिन कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक डेट फिक्स की है, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। मिरांडा भी इस बात के लिए मान जाती है। अगले दिन फिर वो डेट के लिए रेडी होने लग गई। वक्त से पहले वो आदमी यहाँ पर आ चुका था। मिरांडा को ज़रा अजीब लगता है पर फिर भी उसे वो अंदर आने देती है। उसकी स्पेशल पेन की भी डिलीवरी आ चुकी थी तो आदमी जिसका नाम है केविन उसे हेल्प करता है। मिरांडा ने इतने ज़्यादा कपड़े पहने नहीं थे तो कहती कि मैं चेंज कर आती हूँ। उसे लेमिनेट भी ऑफर करती है। केविन ने आसपास मूविंग के बॉक्सेस देखे, वो कहता है कि क्या तुम कहीं पर जा रही हो। मिरांडा ने कहा कि मैं एक नए घर में मूव हो रही हूँ। उसे शक जाता है कि शायद ये केविन है नहीं। ये आदमी इतना ज़्यादा वेल ड्रेस नहीं था। वो अपना पार्सल ओपन करने लग गए, उसे और भी ज़्यादा शक गया। वो उसे कहती है कि तुम बहुत ही जल्दी आ गए, तुम बाद में आना। यह आदमी कहता है कि मुझे वापस नहीं जाना। वो डोर के पास गया और उसे लॉक कर लेता है। मिरांडा ने कहा कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, पर ये मानने वालों में से नहीं था। उसे ज़बरदस्ती करने लग जाता है और इसके बाद वो वहाँ से भाग गया। ये केविन नहीं तो विलियम था। थोड़ी देर में एक्चुअल केविन घर पर पहुँचा, दरवाज़ा खुला था और बहुत ही बुरी हालत में वो मिरांडा को पाता है। उसने फिर पुलिस को कॉल कर दिया। मिरांडा को हॉस्पिटल में लाया गया, सारी फोटोज वगैरह ली जाती है। उसे वो पूछते हैं कि क्या तुम उस आदमी को जानती थी। मिरांडा को अचानक से याद आया, उस दिन जब वो अपने फादर के साथ रेस्टोरेंट पर गई थी एक आदमी की उसने जान बचाई थी। उसी रेस्टोरेंट में विलियम भी काम करता था। वो पुलिस को उसकी लोकेशन बता देती है। रात में विलियम यहाँ से भागने वाला था। भागने से पहले अपने बॉस से पैसे लेने के लिए वो आ जाता है, पर बॉस के पास ऑलरेडी पुलिस पहुँच चुके थे। वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। मिरांडा के फादर ने उसे सहारा दिया। अगले दिन फादर उसके घर पर जाते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें हुई थी। इन सब को साफ करते हैं। फ्रिज पर लगी मिरांडा की बचपन की फ़ोटो देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मिरांडा अपने फादर के घर पर ही रह रही थी। डॉग मिरांडा को देखकर भौंक रहा था तो उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ा टाइम गुजर चुका है। उसे अपनी बॉडी पर जो भी चोट आई थी ये सब कुछ हील कर चुकी थी। उसे अपने रियल एस्टेट एजेंट से पता चला कि अब उसका घर कोई भी बाय नहीं करना चाहता। घर अगर वो सेल नहीं कर सकती तो न्यू घर भी बाय नहीं कर सकती। एजेंट ने कहा कि और कुछ मंथ्स में तुम ट्राई कर सकती हो। मिरांडा ने कहा कि लोग जिस तरीके से अब मुझे देखते हैं इससे वो सब कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। एजेंट कहती कि तुम घर के आसपास कुछ प्लांट्स वगैरह लगा लो। यही जब वो ट्राई कर रही थी तो उसके फादर उसे विजिट करने के लिए आते हैं। फादर ने कहा कि इस तरीके से प्लांट नहीं किया जा सकता। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उन्हें बता देती है। फादर उसके साथ आज लंच करना चाहते थे पर मिरांडा इसके लिए मना कर देती है।
उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ इसके बाद उसके हाथ और भी ज़्यादा थरथराने लग गए थे। सर्जरी की नर्स बनने के लिए मिरांडा का ट्रांसफ़र होने वाला था, तो ट्रांसफ़र होने से पहले उसकी फ्रेंड ने उसे कुछ गिफ्ट दिया। ये सर्जरी करते वक्त ऑर्गन को निकालने का एक गेम था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिरांडा जब अपने केक को डेकोरेट कर रही थी तो उसके हाथ थरथराने की वजह से ये भी वो सही से कर नहीं पाती। उसका आजकल किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेशन हो नहीं रहा था। अगले दिन उसके हेड डॉक्टर ने उससे बात की, कहा कि तुमने ओरिएंटेशन को मिस कर दिया, अगर तुम इसी तरीके से सब कुछ चीज़ों को मिस करती रहे तो सब कुछ खो दोगी। मिरांडा कहती है कि अब मैं मेरा ट्रांसफ़र कैंसिल करना चाहती हूँ। डॉक्टर ने कहा कि तुमने इतने सालों तक मेहनत ली है, तुम इस तरीके से इन सब चीज़ों को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकती। आज फिर से वो अपनी लॉन्ड्री लेने के लिए आई तो वहाँ की लड़की कहती कि तुम्हारे पास रिसिप्ट नहीं है, तुमने शायद इसके लिए पे नहीं किया। मिरांडा कहती कि मैंने इसके लिए पे किया है। वो ये बात मान नहीं रही थी तो इस बात पर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। गुस्से में मिरांडा कहती है तुम्हें इस तरीके के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वो लड़की और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। मिरांडा ने फाइनली अपनी रिसिप्ट उसे दे ही दी। वो अब लोगों की विक्टिम बनने से तंग आ गई थी। रात में उसने अपनी सर्जरी की गेम ट्राई करने की कोशिश की, उसके हाथ थरथरा रहे थे तो एक कर नहीं पाती। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। सुबह जब हुई तो उसे एक आइडिया आता है। उसने विलियम को जेल में लेटर लिखा। ये लेटर पोस्ट करने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है। उसकी खुशी उसकी कोवर्कर ने भी नोटिस किए। एक दिन वो घर के बाहर नोटिस कर दी कि उसकी खिड़कियाँ ख़राब हो रही है। अब उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी, इसी घर पर रहना था तो इसकी रिपेयरिंग वो स्टार्ट कर देती है। उसके फादर उसके लिए बचपन की एक स्विंग लगा रहे थे। मिरांडा ने कहा कि यहाँ पर सब कुछ नई चीज़ें मैं लगा रही हूँ, यहाँ पर इसकी कोई भी जगह नहीं है। फादर को लगा था कि मिरांडा और उसकी मदर हमेशा इस पर झूला झूलते थे। मिरांडा कहती कि आपको उस टाइम के बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसकी और उसकी मदर के बीच में उतनी अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी। मिरांडा ने जो लेटर विलियम को भेजा था वो वापस आ जाता है। वो फिर से इसे पोस्ट कर देती है। एक दिन उसे हॉस्पिटल में कॉल आता है। डॉग को उठाते हुए उसके फादर को चोट आ गई थी। फादर अब डॉग का ख्याल नहीं रख सकते थे तो मिरांडा ही उसका ख्याल रखती है। डॉग तो वैसे उसे लाइक नहीं करता था पर डॉग के लिए वो कुछ खाना लेकर आई, उसके बाद उसकी बात मानने लग जाता है। मिरांडा ने विलियम को बहुत सारे लेटर लिखे थे, वो कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करता था। फाइनली एक लेटर उसके पास वापस आया और इसमें लिखा था कि तुम जीत गए, इसका मतलब है अब वो उससे मिल सकती है। वो मिलकर उसे पूछती है ये फाइनली तुम मुझे मिलने के लिए क्यों रेडी हो गए। विलियम ने कहा कि ये मेरी एक गलती थी, ऐसी मैंने बहुत सारी मेरे लाइफ में गलतियाँ की है, तुम्हें मुझसे जो भी कहना है वो कह डालो। मिरांडा ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे पूछूंगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहती थी कि क्या मैं अब भी तुमसे डरती हूँ। विलियम ने कहा कि तुम अभी भी उसी घर में रहती हो, तुम्हारा लेटर वहीं से आया था। मिरांडा ने कहा कि मेरे प्लान्स चेंज हो गए थे। उसे थोड़ा सा डर भी लगा कि विलियम को अभी भी उसका एड्रेस पता है। मिरांडा उसे पूछती है यहाँ का खाना कैसा है। विलियम के एक्सप्रेशन से उसे पता चला कि बहुत ही गंदा है। नेक्स्ट सीन में मिरांडा अपने फादर के डॉग को मिलने के लिए आई हुई थी, उसके लिए कुछ खाना लेकर आती है। अब यहाँ हमें इस मूवी में डॉग और विलियम इन दोनों में एक पैरेलल रिलेशनशिप दिखाई गई है। जो चीज़ें वो डॉग को कंट्रोल करने के लिए कर रही थी यही चीज़ें वो विलियम को कंट्रोल करने के लिए भी करने वाली है। फादर ने मिरांडा से कहा तुम तो डॉग को हेट करती थी। मिरांडा कहती है कि उसे हेट करने से मुझे ही तकलीफ हो रही थी। ये बात विलियम को लेकर भी लागू होती है। एक दिन मिरांडा को विलियम का लेटर आया, उसे फिर से मिलने के लिए बुला रहा था। उसे मिलने के लिए आती है तो विलियम कहता है मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही खराब थी, मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तुम कुछ पढ़ पाए। मिरांडा कहती है कि कुछ ना कुछ तो चीज़ होगी जो तुम्हें अच्छी लगती होगी। विलियम ने कहा कि मुझे चीज़ें फिक्स करना बहुत ही अच्छा लगता है, तुम और मैं हम दोनों बहुत ही सेम है, तुम लोगों को फिक्स करती हो और मैं चीज़ों को। नेक्स्ट सीन में मिरांडा अपने फादर के डॉग को ट्रेन कर रही थी। उसे लगता है कि जब लोग डॉग को ट्रेन करते हैं तो वह बहुत ही अच्छा होता है। इसी तरीके से विलियम को अपनी उंगलियों पर वो नचाना चाहती थी। एक दिन वो उसे मिलने के लिए आए पर विलियम उसे नहीं मिलता, कुछ कैदियों ने उसे हर्ट किया था। विलियम का सेलमेट उसे कहता है कि जो लड़की तुम्हें मिलने के लिए आती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्या उसे पता भी है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। विलियम उस पर गुस्सा हो गया था। नेक्स्ट टाइम जब फिर से मिरांडा विलियम से मिलने के लिए आए तो बहुत ही गुस्सा थी। वो कहती कि तुम उस दिन मुझे क्यों मिलने के लिए नहीं आए। विलियम सारी सिचुएशन उसे समझा देता है। उसके बॉडी पर एक बहुत ही बड़ा सा कट बना था, आज वो उसके साथ फ्लर्ट भी कर रही थी। रात में फादर से मिलने के लिए मिरांडा फिर से गए। फादर कहते हैं आज का मेरा डॉग बहुत ही ज़्यादा सो रहा है। मिरांडा कहती कि ओल्ड हो चुका है। अब क्रिसमस आ चुका था तो मिरांडा ने विलियम को एक नोट भेजी। ये नोट विलियम का सेलमेट पढ़ रहा था। विलियम उसे धमकाता है कि मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना।
तुम्हें पता है कि यहाँ पर मैं क्यों हूँ और मैं लड़कियों को बहुत मिस करता हूँ। मैं तुम्हारा भी बहुत ही बुरा हाल कर सकता हूँ। नेक्स्ट दिन में मिराना जब विलियम से मिलने के लिए आए तो बातों बातों में उसकी मदर का सब्जेक्ट आता है। मिराना ने कहा, जब मैं छोटी थी तभी मेरी मदर की डेथ हो गई थी। उसे अस्थमा था और टाइम पर उसे गोलियां नहीं मिली। विलियम ने कहा कि मेरी मदर भी मुझे छोड़कर चली गई थी, शायद इसी वजह से मैं गलत रास्तों पर मुड़ा। विलियम कहता है कि मुझे पैरोल के लिए अब कंसिडर किया जा रहा है, उसका मतलब है उसका सेंटेंस खत्म होने से पहले अब वो जेल से बाहर निकल पाएगा। उसने कहा कि मैं यहाँ पर बंद हूँ, इसी वजह से तुम मुझे मिलने के लिए आती हो। शायद जेल से बाहर आने के बाद तुम मुझे मिलना नहीं चाहोगी, ये बात मैं समझ सकता हूँ। मिरांडा पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी सज़ा कंप्लीट कर ली है। विलियम कहता है कि मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे एक चांस देकर देखो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिरांडा के फादर के डॉग की डेथ हो गई थी। वो अपने फादर का ख्याल रखती है और डॉग को भी उसी ने गाड़ दिया। फादर मिरांडा से कहते हैं, उस रात तुम्हें अपनी मदर की डेड बॉडी नहीं मिलनी चाहिए थी। जो भी हुआ उससे फादर को बहुत ही बुरा लगता है। मिरांडा ने कहा कि हमारे साथ बहुत सारी बुरी चीज़ें होती हैं, पर इससे हमें कुछ सही करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विलियम आज जेल से निकल रहा था, जाते जाते भी अपने सेलमेट को धमकी देकर जाता है। इसका मतलब है थोड़ा सा भी वो सुधरा नहीं था। निकलने के बाद मिरांडा के हॉस्पिटल पर उसने फूल भेजे। मिरांडा उसे कॉल करके कहती है कि तुम कर क्या रहे हो, इस तरीके से मेरे काम की जगह पर तुम फूल नहीं भेज सकते। विलियम ने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे कॉन्टैक्ट में रहना चाहता था। वो कहती कि जब भी तुम चाहो तब मुझे कॉल कर सकते हो। विलियम एक मॉडल पर रह रहा था और कुछ लड़कियों पर नजर रखता है। उन लड़कियों के पास उनका बॉयफ्रेंड आ गया तो इस वजह से वो कुछ भी कर नहीं सकता। अगले दिन वो डायरेक्टली मिरांडा के घर के बाहर आ गया। मिरांडा कहती कि तुम यहाँ पर इतनी जल्दी आ जाओगे, ये मुझे पता नहीं था। विलियम ने कहा कि सारी चीज़ें मैं फिक्स करना चाहता हूँ। मिरांडा फिर अपने घर के काम पर उसे लगा देती है। उसने उसे कुछ शरबत भी लाकर दिया, उसे घर में आने नहीं देती। जाते जाते विलियम कहता है, तुम्हारे सीलिंग पर एक होल बना हुआ है, मैं इसे फिक्स करना चाहता हूँ। मिरांडा इसके लिए मान जाती है। वो फिर एक हार्डवेयर स्टोर में गया। मिरांडा के फादर भी वहीं पर सप्लाई ले रहे थे। स्टोर ओनर को विलियम घर की प्लान दिखाता है। ये मिरांडा के फादर ने नोटिस किए, उसे पहचानते थे और समझ गए कि वो मिरांडा के घर पर जाकर आया है। वो इस सब बातों से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उन्होंने मिरांडा को कन्फर्ट किया, कहा तुम ये सब कर क्या रही हो। मिरांडा समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ मुझे हेल्प कर रहा है। फादर कहते कि इस सब का पॉइंट नहीं है। मिरांडा ने कहा कि मैं सिर्फ मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एक विक्टिम बनकर नहीं रह सकती। फादर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और यहाँ से चले जाते हैं। इनकी सारी बातें विलियम ने दूर से सुनी थी। उसने कहा कि शायद मुझे फिर से तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए। मिरांडा कहती कि मेरे फादर को ज़्यादा सीरियसली लो मत, वैसे भी अब 2-3 वीक्स तक वो फिर से वापस नहीं आएंगे, तुम मुझे हेल्प करने के लिए आ सकते हो। अगले दिन वो उसे हेल्प करता है और हेल्प करते वक्त पूरा टाइम उसे वो देख रहा था। मिरांडा उसके लिए शरबत लेकर आती है। ये पीने के बाद अचानक से उसे चक्कर आने लग गए। वो जब बेहोशी से उठा तो मिरांडा ने डायरेक्टली उसका ऑपरेशन कर दिया था, उसने उसका प्राइवेट पार्ट कट कर दिया था। ये बात विलियम अब तक रियलाइज नहीं करता और उससे पूछता है कि मुझे हुआ क्या था। मिरांडा कहती है कि तुम बीमार हो और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, रेपिस्ट का कोई भी इलाज नहीं होता। विलियम ज़रा डिस्टर्ब हो गया और तब वो रियलाइज करता है कि मिरांडा ने उसे पूरी तरीके से बांध दिया था। मिरांडा कहती है, तुम सिर्फ बेहोश हुए थे, अब तक मैंने तुम्हें नहीं मारा। वो डरने लग गया। मिरांडा कहती है, मैंने सिर्फ तुम्हें बेहोश किया था, जो पॉइजन मैंने डॉग को दिया था उसी पॉइजन से तुम बेहोश हुए थे। विलियम ने कहा कि तुम मुझे मारोगी नहीं, तुम लोगों को बचाती हो। मिरांडा कहती है कि जो बात सही होती है वही चीज़ मैं करती हूँ। अचानक से मिरांडा की डोर पर नॉक आती है। विलियम चिल्लाने की कोशिश करता है पर मिरांडा ने उसका मुंह बंद कर दिया। वो ऊपर गई तो एक डिलीवरी मैन था, उसने अपने लिए एक स्पेशल पेन मंगवाए थे जिससे वो लिख सकती थी। वो विलियम से कहती है, तुम्हारी वजह से मेरे हाथ थरथराने लग गए थे, अब तुम्हारे साथ मैंने जो भी किया है इसके बाद मुझे ठीक लग रहा है। विलियम कहता है कि तुम किलर नहीं हो, तुम मुझे नहीं मार सकते। मिरांडा ने कहा कि मैंने मेरी मदर को मार दिया था, मदर की अस्थमा की गोलियां उसने छुपा दी थी, उसी वजह से उसकी डेथ हुई थी। मिरांडा कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं आखिर में अब जीत चुकी हूँ। इसके बाद वो अपने फादर के पास गए। फादर कहते कि तुम जो भी कर रही हो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ये पूरी तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। मिरांडा कहती कि अब विलियम फिर से हमारे पास वापस नहीं आएगा, इसका मतलब है उसने उसे मार दिया है। इसी उसके बदले के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।